हाय फ्रेंड, आशा करता आप सब ठीक है। आपके सारे बार्स भी बहुत अच्छे। आज मैं मेरे कॉकटेल बार्स को एक फुट दूंगा, तो एक फुट मैं किस तरह से देता हूँ कॉकटेल को वही आज आपको दिखाना है। ज़्यादातर मैं एक फुट का वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज मैं सोचा था कि भाई आपके लिए एक फुट देने का वीडियो बनाऊँ, इसलिए आज कैसे मैं एक फुट देता हूँ कॉकटेल बार्स को वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि मेरा कॉकटेल बार्स लगभग अभी 7-8 प्लेयर जो है ब्रीडिंग पर है, तो उनको ही देना है, ज़्यादा बार्स को नहीं देता। जो ब्रीडिंग पर नहीं है उनको नहीं देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले से मैंने कुछ कटोरा को रेडी करके रखा है देने के लिए। ये सारा जो आप देख रहे हैं ब्लू वाला, येलो वाला, ग्रीन वाला, ये सब छोटे छोटे कटोरा है जहाँ पर मैं एक फुट को अपने बार्स को देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ बंगाली फिंच के लिए कुछ है और कुछ जो है बंगाली फिंच के लिए कुछ है और कुछ मेरा 4-5-6 प्यार कॉकटेल के लिए दिया हुआ है। तो ज़्यादातर मैं जब बंगाली जेबरा फिंच को देता हूँ तब जाके कॉलोनी में भी दे देता हूँ, लेकिन अभी मैं केज में दूंगा, इसलिए आपको दिखाते हैं कैसे दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास लगभग 10 प्यार के लिए बनाऊंगा। अभी एक अंडा से मेरा 10 प्यार का जो हो जाएगा, इसलिए मैंने एक अंडा लिया, ज़्यादा अंडा नहीं लिया। तो यहाँ पर एक अंडा हुआ और ये मेरा कटोरा है जहाँ पर ऊपर ही रहता है बाट्स के केज के साइड में। तो यह बात देख सकते हो, क्योंकि मैं एक फुट जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वीकली एक बार तो देता ही हूँ, और लॉन्ग टेल फिंच को सप्ताह में दो बार, वीकली दो बार देता हूँ। इसलिए मैंने ऊपर ये कुछ क्रैकर टाइप का बिस्किट रख दिया है पहले से ही, क्योंकि मुझे तो हमेशा ही ज़रूरत होता है इस टाइप का बिस्किट को। तो आज मैं यहाँ पर सिर्फ 3 लूँगा। आपके पास अगर 3 में नहीं होगा, 4 चाहिए, एक अंडे के साथ 4 आपको ये जो है बिस्किट देना होगा। अब चाहे तो बड़ा वाला जो टोस्ट मिलता है, तो इस तरह का बिस्किट देख ले, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, तो एक देख लिया अच्छी तरह से। तो बांग्ला में हम इसे टोस्ट बिस्कुट बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोस्ट बिस्कुट जो मैं यूज़ करता हूँ एक फुट बनाने के लिए। तो आज मैं आपको कॉकटेल के लिए एक फुट कैसे देते हैं वो भी देख के दिखाऊंगा। तो चलिए इसको पहले रख देते हैं साइड में। तो ये पर और एक चीज़ है जिसमें इसे बनाता हूँ मैं, एक इसमें मैं छोटा छोटा करके पहले इसको बोल लेते हैं। बहुत इजी चीज़ है, आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। ये आप कॉकटेल को गर्मी में 15 दिन में एक बार और विंटर में हर हफ्ते एक बार दे सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लेना है। बस अगर बड़ा वाला होगा तो छोटा वाला है, बड़ा वाला होगा तब दो भी ले सकते हैं एक अंडे के साथ, ठीक है। ये कॉकटेल का हिसाब है, क्योंकि ये छोटा वाला था है इसलिए मैं 4 यूज कर रहा हूँ, अथवा बड़ा वाला होगा तो 2 आप ले सकते हैं कॉकटेल के लिए, ऐसा इसका हिसाब है, ठीक है। फिंच के लिए अंडे ज़्यादा लगता है, अंडे का जो है पोटेंसी ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन ये कॉकटेल के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कॉकटेल के लिए है। और एक अंडा मेरा 6-7 पेयर कॉकटेल के लिए ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ बंगाली फिंच को भी डाल दूंगा एक ही साथ में। तो आपको बार अगर ये नहीं खाता तो भी आप क्या करेंगे वो भी आपको थोड़ी देर बाद बोल दूंगा। ये देने के बाद आपको बोल दूंगा कि आपके बाद अगर एक फूड नहीं खाते तो आप किस तरह से, देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से मैं इसको जो है पाउडर बना लिया। आपको भी इस तरह से पाउडर बना लेना है, ये तो घर में मिल जाएगा, दुकान में मिल जाएगा, किसी भी दुकान में इस टाइप का आपको बिस्किट कहीं जगह पे मिल जाएगा। और आपको इस तरह का एक छोटा सा खरीद लेना है, बड़े में आप कर सकते हो, लेकिन ये क्योंकि मैं बार सेटअप में रखता हूँ हर टाइम में, इसलिए मैंने छोटा एक खरीद के ले आया था, छोटा काम के लिए, एक फूड बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम फिंच के लिए देते हैं ना, ये अंडे को पूरा सेल के साथ देते हैं, मतलब अंडे का जो छिलका है ये भी दे देते हैं हम अगर फिंच को देते हैं तब, लेकिन कॉकटेल के देने के टाइम में आपको ये जो है थोड़ा सा उसको जो सेल से इसको बाहर ही रख देना है, ठीक है, इसको बाहर रख देना, इसको
थोड़ा बहुत रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर आपको बाहर फेंक देना होगा, क्योंकि ये अगर ज़्यादातर तो लोग नहीं जानते, ये जो छिलका है देख सकते हैं, छिलका अगर आप एक फ्रूट के साथ मिक्स करेंगे तो हो सकते है कॉकटेल बाद इतना अच्छे से नहीं खाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको, आप अगर फिंस के लिए सब एक फ्रूट बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिंस को ये जो छिलका है इसके साथ इस तरह से मिक्स करके दे सकते हो, लेकिन क्योंकि ये कॉकटेल के लिए मैं बना रहा हूँ इसलिए मैं इसको नहीं दूंगा। तो चलिए इसको भी इसमें आप छोटा छोटा करके पीसेस कर लेते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि आप जब एक फूड बनाएंगे तो ये जो अंडा है थोड़ा हार्ड बॉयल होना चाहिए, मतलब उबालने के इसको बॉयल करने के बाद थोड़ा देर वो पानी में रख देना कि जब तक वो थोड़ा सा हार्ड बॉयल हो जाए। हार्ड बॉयल नहीं होगा तो आपको एक फूड बनाने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है। तो आज का जो मेरा अंडा है मैं बहुत जल्दी में किया हूँ, इसलिए देख सकते हो बहुत हार्ड बॉयल नहीं है, थोड़ा सा नरम सा है। आप भी जब एक फूड बनाएंगे, कभी भी एक फूड बनाने से पहले अंडे को थोड़ा कड़ा करके उबाल लेना, ज़्यादा टाइम से उबाल लेना। इसमें क्या होता है, आपको अंडे को पीसने में आसानी होती है। तो ये जो है ये मैं फिंस को दे दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो देख सकते तैयार हो रहा है ये हमारा एकदम इजी चीज है, कि ज्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है, देख लीजिए आप। इससे बहुत कोई एक के साथ एक नहीं लगा है, बहुत अलग अलग रख रहा है, पूरा पाउडर टाइप का ही है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर ले पहले। लगभग ये पूरा मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो ये अभी लगभग देने के लिए तैयार है। तो चलिए हमारा पूरा जो कटोरा है मैंने तैयार करके रखा था, इसको सामने लाते हैं। में भी ज्यादा नहीं डालना, ठीक है। ठीक है, 7 कॉकटेल के लिए इतना काफी है, और ये 7 कॉकटेल के लिए मैंने हो गया। और मेरे पास कुछ 6 प्यार जो है बंगाली है, तो 6 प्यार के लिए मैं अभी डाल देता हूँ। बंगाली को थोड़ा बहुत चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर मेरा पूरा जो है से देने के लिए रेडी है, ठीक है। तो आपको चलिए देख, वीडियो बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी, तो अभी यहीं पर ख़त्म कर देते। तो किस तरह से देते हो भी आपको हो सके तो दिखा देते, लेकिन वीडियो अभी 9 मिनट के लगभग हो चुका है, ठीक है। तो और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, यहीं पर वीडियो ख़त्म करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक देना, चैनल में नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। और आप लोग भी इस तरह से कॉकटेल के लिए इजीली एक फूड बना सकते हैं, बहुत इजी है बनाना, इतना ज़्यादा मुश्किल काम कोई नहीं है। तो आप भी कंटिन्यू अपने बार्स को जो है ये एक फूड जो है देते रहे वीकली। मैंने अभी बोला कि गर्मी के टाइम में आपको 7 दिन में एक दिन देना है कॉकटेल को, सॉरी फिंचेस को, और कॉकटेल को 15 दिन में एक दिन, और अगर आपका बजीज है तो उनको भी गर्मी में 15 दिन में एक दिन देना काफ़ी होगा। और जब ठंड पड़ेगा, ज़्यादा ठंड के टाइम में,
आपको इसको थोड़ा ज्यादा देना होगा, मतलब कॉकटेल को वीकली एक बार देना होगा, बजिस को भी एक ही है, और फिंचेस को तीन दिन में एक बार इसको देना होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक देना, और चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना।